हर हाल में सिखाया जाएगा। मोदी तेरी तानाशाही 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 नहीं चलेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल पर एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लिया गया है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दायर किए हैं और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। वहीं बिहार में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। हर हाल में सिखाया जाएगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। चंदा चोर गति छोर गति छोर गति चंदा चोर गति छोर गति छोर चंदा चोर चंदा चोर। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार है, भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, देश में भ्रष्टाचारों पर झाड़ू चलता रहेगा। साथ ही रोहिणी आचार्य को सारण से चुनाव लड़ाने की चर्चा है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव टिकट बेचते हैं, अब अपनी सगी बेटी को भी किडनी लेकर टिकट दे दिया। इसके पहले उन्होंने कहा कि टिकट दिया था, ये दुर्भाग्य की बात है, लालू प्रसाद यादव को पैसा कहीं से चाहिए। पहले पैसा पर टिकट बेचते थे, विधायक खरीदते थे, किडनी लेकर टिकट देना ये अपराध है। देखिए, भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चल रहा है, मोदी की गारंटी है। जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चलता रहेगा। आप देखिए, लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे, अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए। तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का? अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया? अरे आपका ही बेटी, आपकी ही बेटी है, इसमें कहाँ दो मत है। आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़कर, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए थे? टिकट किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध है। लोकतंत्र है, लोक तक साफ सुथरे रहे, यदि किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि ईडी सीएम केजरीवाल को 10 समन भेज चुकी थी, लेकिन वो पेश नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया है। केजरीवाल पर एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लिया गया है। पटना से संजीव कुमार और अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।